तो दोस्तों बात कर लेते हैं पेटीएम के स्टॉक के बारे में। पेटीएम के नाम को कौन नहीं जानता, चलिए जान लेते हैं आगे इसमें क्या लेवल और क्या टारगेट्स रहने वाले हैं। पेटीएम की हिस्ट्री सबको पता है, कितनी बुरी कंडीशन से इस टाइम पेटीएम गुजर रहा है। 1800 रुपये पर मिलने वाला स्टॉक आज आपको 425 रुपये पर मिल रहा है, तो क्या इसको बाय कर लेना चाहिए या जो बाय किए हुए बैठे हैं उनको क्या करना चाहिए? अगर फ्रेश एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो क्या हमें इस स्टॉक में एंट्री कर लेनी चाहिए, क्या ये अब रिवर्स ले चुका है? तो दोस्तों ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पेटीएम ने साइन कर ली है एक डील सैमसंग कंपनी के साथ, जिसके कारण ये स्टॉक एक उछलता हुआ मूव देता हुआ नज़र आया, लेकिन इसका फ्रेश एंट्री का जो लेवल है वो 370 रुपये पर हो सकता है। अभी ये स्टॉक सिर्फ एक उछाल लेकर दिखता हुआ है, अभी ये वापस से गिरेगा। 370 इसका एक बेहतरीन सपोर्ट जोन है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि पेटीएम तो अब ख़त्म हो गया, पेटीएम अब काम नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पेटीएम UPI का सबसे बड़ा UPI का जो प्रोवाइडर होता है वो सबसे बड़ा पेटीएम ही है। तो दोस्तों पेटीएम कहीं भी जाने वाला नहीं है, पेटीएम अभी उभरेगा। ये उसका बुरा वक्त चल रहा है जिसमें आप पैसा डाल सकते हो, लेकिन आप इसमें ज़्यादा पैसा ना डालें तो वही बेहतर होगा, कम पैसा कम रिस्क। सबसे अच्छा ऑप्शन तो ये रहेगा कि ये स्टॉक जब 500 क्रॉस कर लेगा तब आप इसमें एंट्री करने के बारे में सोचें, तब ही आपको कम समय में ज़्यादा पैसा बनाने का मौका मिल सकता है। इतने तक आपको इस स्टॉक को अवॉइड ही करना चाहिए। 370 का लेवल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो हाल ही का सपोर्ट है, लेकिन दोस्तों इस स्टॉक में कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ अभी तक भी नहीं आई है, इसीलिए इस स्टॉक में अभी कुछ टारगेट्स तो निकल कर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ बाइंग लेवल की ही बात हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कम समय में ज़्यादा पैसा बनाना, सही लेवल पर स्टॉक को बाय और सही लेवल पर उसमें से एग्जिट हो जाना, तो चैनल को तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।